तो आप लोगों ने केक्स वगैरह पे देखा ही होगा वो जो जेल लगा हुआ होता है ना उसे हम घर पे बना रहे हैं दो मिनट में बना सकते हो आप यही प्रोसेस से आप बहुत तरह के जेल बना सकते हो है ना ये तो मैं एक पाइनएप्पल जेल का यू मतलब जेल बता रही हूँ बनाना इतना ईजी है ना अब इसमें होता ही क्या है वो लोग क्या करते हैं ना उसको ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए उसमें ना कॉर्नफ्लोर आर आर रोट होता है ना ये सब इन ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं तो हम भी यही कर रहे हैं तो पानी में ना सबसे पहले मैंने आधा चम्मच आर आर रोट डाल दिया है ना आर आर रोट नहीं हो तो कॉर्नफ्लोर कॉन्सटार कुछ भी दे सकते हो बस मैदा वगैरह का यूज़ नहीं करना है उससे कोई ट्रांसपेरेंट लुक तो आना नहीं है फिर उसमें मैंने चीनी डाल दी है और फिर चीनी के बाद यहाँ पे अब यहाँ पे बारी आती है पाइन एपल क्रश डाल देना नहीं हो तो चॉकलेट मतलब कौन सा जेल बनाना है आपको वो अ डाल देना है ना मतलब स्ट्रॉबेरी का क्रश भी डाल सकते हो और मतलब रोज़ का क्रश मतलब जो भी आप चाहो ना वो आप बना सकते हो वो उसमें डाल सकते हो है ना मैंने पाइनएप्पल क्रश का यूज़ करा है इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी तो वहाँ से देख लेना पाइनएप्पल क्रश मेरा होममेड है मैंने उसी का यूज़ करके बनाया है टेस्ट बिल्कुल बहुत टेस्टी आ रहा था एकदम पाइनएप्पल वाला आ रहा था अब देखो बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना चाहोगे ना वो तो यार आप बिल्कुल ही नहीं बना सकते हो क्योंकि उसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव मतलब वो लोग बिल्कुल मार्केट वाले क्रश का यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिवज़ होते हैं तो उस वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बुरी चीज़ें किसे अच्छी नहीं लगती है यार है ना बस वही बात है तो यहाँ पे बस वो डाल के मैंने थोड़ा सा फूड कलर का यूज़ करा है और यार फूड कलर भी मेरे पास है ना येलो नहीं था तो यार मतलब आप सोच सकते हो मैंने क्या ही करा होगा मैंने क्या करा ना ऑरेंज वाला जो होता है ना फूड कलर मैंने वो यूज़ करा है बहुत हल्का सा डाल दिया ताकि ये थोड़ा येलो वाला आ जाए लुक बाकी मेरे को ऑरेंज तो लाना नहीं था <laughs> तो बस मैंने वही थोड़ा सा डाल दिया अब बस यहाँ पर बारी आती है इसको पकाने की है ना देख लेना आप मतलब पकाने में बहुत दिक्कत नहीं होती है बिल्कुल भी <laughs> बहुत ईज़िली पक जाता है और इंस्टेंटली कुक होता है ये क्योंकि इसमें कॉन फ्लोर है ना तो मतलब आर रूट वगैरह कौन लोग कुछ भी लेते हो यार क्या ही दिक्कत है है ना तो वो बहुत जल्दी से थिक कर देता है तो बस ये ना पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद और जम जाती है ना तो उस वजह से बिल्कुल परफेक्ट वाला जेल बन के रेडी है तब तो आप इसको हमेशा मतलब हमेशा बनाओ और अपने केक को डेकोरेट करो है ना एकदम तो बहुत टेस्टी बनती है यार ये सही है बस क्रश बढ़िया होना चाहिए मार्केट वाला हो तो लुक बाहर आएगा अगर आप मार्केट यूज़ कर रहे हो तो घर में बनाओगे तो यार काम चलाओ तो बन ही जाएगा <laughs> क्योंकि मैंने घर वाला क्रश यूज कराया बाहर वाला यूज करोगे ना तो यार बिल्कुल जेल बनेगा मार्केट वाला तो ट्रेन तो बनता है